मजदूर ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया टीचर, स्कूल के हेडमास्टर संग हो गई फरार, बूढ़ी सास और दो बच्चे भी छोड़ गई। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सेवा की अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़े मामले की तरह बिहार के समस्तीपुर से भी एक खबर सामने आई है। जिले के पटोरी में तैनात एक महिला टीचर का अपने हेडमास्टर संग फरार होने का मामला सामने आया है। शादी के 13 साल बाद पत्नी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाने में पति ने मदद की, लेकिन महिला उसे छोड़कर फरार हो गई। अब पति ने थाने में FIR दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी चंदन कुमार ने वैशाली जिले के जंदाह थाना में FIR दर्ज कर आरोप लगाया कि पत्नी सरिता पिछले साल दुर्गा पूजा के समय से फरार चल रही है। सरिता कुमारी प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा में तैनात थी। वैशाली जिले के महीपुरा निवासी चंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी सरिता स्कूल के ही हेडमास्टर राहुल कुमार के साथ फरार हो गई है। दरअसल चंदन की शादी विभूतिपुर गांव की सरिता कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से 13 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद सरिता पढ़ना चाहती थी। पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंदन ने मजदूरी करके और कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे DL.ED सहित कई आवश्यक ट्रेनिंग भी दिलवाई। साल 2022 में पत्नी सरिता का चयन पटोरी अनुमंडल के जोरपुरा के एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर हुआ। दर्ज केस में कहा गया है कि स्कूल के हेडमास्टर राहुल कुमार की सरिता पर कुदृष्टि बनी हुई थी। शुरुआती दौर में चंदन अपनी पत्नी को बाइक से स्कूल छोड़ने जाया करता था। इस बीच हेडमास्टर ने टीचर सरिता को अपने घर के समीप ही कोवा चौक के पास एक किराए का कमरा दिलवा दिया और दोनों रहने लगे। प्राथमिकी में स्पष्ट कहा गया कि दोनों के बीच संबंध भी थे। फिर भी ये भी कहा गया कि पिछले कुछ माह से उसकी पत्नी वहाँ से भी डेरा बदल कर कहीं और रहने लगी है। इस संबंध में मोबाइल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO ने बताया कि पूरा मामला उन्हें संदिग्ध मालूम पड़ता है। शिक्षिका फरार नहीं है, बल्कि वो 2 महीने से छुट्टी का आवेदन देकर स्कूल नहीं आ रही है। उसके 2 महीने का वेतन काट लिया है। छात्र, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बताते हैं कि शिक्षिका को पिछले कई माह से गायब है और विद्यालय नहीं आ रही है। शादी के बाद सरिता कुमारी ससुराल में रहकर नौकरी पाने के लिए पति के सहयोग से तैयारी कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि शादी के 13 वर्ष बाद सरिता को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। पति का आरोप है कि उसने अपनी जमीन बेचकर और कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई पूरी कराई थी। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी हुए थे, एक बेटी जो अब 12 साल की है और एक बेटा जो 7 साल का है। फिलहाल सरिता पति और दोनों बच्चों को छोड़कर फरार है। फरियादी के अनुसार शिक्षिका बनते ही सरिता के ऊपर स्कूल हेडमास्टर की नज़र पड़ी और उसका सारा कारनामा सामने आया। जोरपुरा स्थित स्कूल के हेडमास्टर राहुल कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा, टीचर सरिता कुमारी ने बीते मई में महीने में इलाज करवाने का हवाला दिया और छुट्टी का एक आवेदन देने के बाद स्कूल नहीं आ रही हैं। इस आवेदन में डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं है, इस कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में लिखित शिकायत दी गई है। चेहरा छिपाकर नज़र रखता था पति। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि टीचर सरिता जब स्कूल में पढ़ाने आती थी तो उसका पति गमछे से अपना चेहरा छिपाकर उस पर नज़र रखता था, जिसकी चर्चा स्कूल में अक्सर हुआ करती थी। बहरहाल पूरा मामला क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पति की FIR ने एक और बहस छेड़ दी।